गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैंने जो आप लोगों को आपका नवम पाठ पढ़ाया था सुभाषितानी श्लोक का, हाँ ठीक है, रीडिंग करवा दिया था, इसके अर्थ भी मैंने आप लोगों को समझा दिए थे। आई होप आप लोगों ने भी इसको समझा होगा। ठीक है, इसके जो वर्ड मीनिंग है, प्रवासेशु का अर्थ होगा प्रवास, भार्य का अर्थ होता है पत्नी, गृहेशु का अर्थ होता है घरों में, व्याधि तस्य का अर्थ होता है रोगी की, औषध का अर्थ होता है औषधि, पुस्तकस्या का अर्थ होता है पुस्तक में रखी हुई, पर हस्तगतम का अर्थ होता है दूसरे के हाथ में गया हुआ, कार्यकाल का अर्थ होता है कार्य का समय, और समुत्पन्ने का अर्थ होता है उत्पन्न होने पर, अलस्य का अर्थ होता है आलसी को, कुतो का अर्थ होता है कहाँ, ददाति का अर्थ होता है देती है, और विनयम का अर्थ होता है विनम्रता, याति का अर्थ होता है आती है, पात्रता योग्यता, और प्राप्नोति प्राप्त होता है। तो ये वर्ड मीनिंग है, आप लोग इसको लर्न करेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। अब नेक्स्ट है आप लोगों का एक्सरसाइज, ठीक है, आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, बता रही हूँ मैं आप लोगों को एक्सरसाइज। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। क है आप लोगों का विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु, इसका हिंदी में अनुवाद करना है, मैंने आप लोगों को समझाया भी था इसका अर्थ। तो विद्या किसका मित्र होता है, कहाँ का मित्र होता है, तो प्रवासेषु का मित्र होता है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रवासेषु का अर्थ होता है प्रवास, ठीक है। तो विद्या यात्रा, प्रवास का अर्थ होता है यात्रा, ठीक है, अदर प्लेस, किसी भी और जगह पे, विद्या यात्रा का मित्र है, यानी कि विद्या जो है वो हर जगह काम आता है, ठीक है। और पत्नी कहाँ की मित्र होती है, पत्नी घर में मित्र है, ठीक है, या घरों में मित्र है, ये लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है आप लोगों का कार्यकाले समुत्पन्ने नासा विद्या नातद धनम, इसका क्या अर्थ होगा, काम का समय आने पर ना तो विद्या काम आती है और ना ही वह धन, ना ही काम आती है और ना ही धन वह धन, ठीक है, ना ही वह धन, ये लिखेंगे ना ही वह धन। अलस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, आलसी के पास विद्या नहीं होती है और जिसके पास विद्या नहीं होती है उसके पास धन भी नहीं होता है। पात्र त्वदा धनमाप्नोति धन्नाथ धर्मः ततः सुखम्, योग्यता से धन की प्राप्ति होती है और धन धर्म प्राप्त होता है, धन से धर्म प्राप्त होता है और धन से ही सुख मिलता है, ठीक है, और धर्म से ही सुख मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। क है धर्म कस्य मित्रं भवति, धर्म किसका मित्र होता है, तो धर्म मृतस्य मित्रं भवति, धर्म जो है वो मृत्यु का मित्र होता है। विद्या किम ददाति, तो विद्या वनयम ददाति, इसका वनयम नहीं विनयम हुआ। प्रवासेषु का मित्रं भवति, प्रवासेषु विद्या मित्रं भवति। धनात् किं प्राप्नोति, धनात् धर्मः प्राप्नोति, ठीक है। विद्या मित्रं प्रव, इसमें आप लोगों को रिक्त स्थान भरना है, विद्या मित्रं प्रवासेषु अलसस्य कुतो विद्या अविद्यस्य कुतो धनम्, विन्यात् याति याति पात्रता, नेक्स्ट है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, वाक्य इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। पत्नी घर में मित्र होती है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, भार्या मित्रम गृहेषु गृहेषु, आलसी के पास विद्या कहाँ, अलस्य कुतो विद्या, विद्या विनय देती, विद्या विनय देती है, विद्या ददाति विनय, विनय से योग्यता आती है, विनया दयाति पात्रता, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है, ये एक्सरसाइज आप लोग अपनी बुक में और कॉपी में नोट करेंगे और स्कूल में चेक कराने के लिए लेकर आएंगे। यहाँ पे आप लोग का ये सिलेबस कंप्लीट होता है, आप लोग अब लर्न करना स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।